भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में शहीद 20 सैनिकों को देश जहन्नम आंखों से विदाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में इस पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार पर जमकर बरस रहा है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार तर्क तेवर अख्तियार करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राहुल ने पीएम मोदी से तीखे सवाल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में लद्दाख में पड़ोसी देश की हिमाकत का मुद्दा उठाते हुए सख्त लहजे में सबक सिखाने का दम भरा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हम जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे, हम इसे भूलेंगे नहीं। दूसरी ओर विपक्ष अब भी सरकार से ऐसे कई सवाल पूछ रहा है जिसके जवाब देश जानना चाहता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पूरे मामले को लेकर आज एक बार फिर सीधे सरकार से सवाल किया है। राहुल ने एक 18 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, हमारे निहत्थे जवानों के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ी हानि है। हमारे जवान निहत्थे क्यों थे? उन्हें इस तरह किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? राहुल के इस सवाल से तिलमिलाई बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी इस मौके पर जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हैं, राहुल को देश को गुमराह करने की राजनीति से बाज आना चाहिए। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए समझौते के कारण पेट्रोलिंग के दौरान जवान निहत्थे ही निकलते थे, हम समझौते का पालन कर रहे थे, जो हुआ उसे दुनिया ने देखा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।